Hello friends, in this video we are going to study about the reproductive system in branchiostoma. As we know, in the reproductive system, the sexes are separate, which means that the male and female both are different, both are the two different individuals having two different sexes. But there is no sexual dimorphism, which means that we cannot define them that which individual is the male or which individual is female on the basis of their morphology. So, koi sexual dimorphism nahi hai. Here, the gonads, testes or ovaries, the gonads means like testes in males and ovaries in female, they occur in two rows, one on either side of the body. So, this we can see through the diagram. Here, this is the diagram of the branchiostoma. So, here we can see these are the gonads, which occur in two rows. So here these are the gonads which is present in the two rows, and they are present from the pharynx region to the atrium region. So pharynx or atrium region tak jo hai pura ka pura gonads ke jo two rows hai wo present hai. And also they show metameric segmentation. Now what is the metameric segmentation? It is like the repetitive segmentation of the body in which the organs get repeated. तो सेम ऑर्गन जो है वो बार बार हर एक सेगमेंट में उसी तरह से आते हैं, इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं. एंड दिस सेगमेंटेशन इज फ्रॉम 25 टू 51 वेयर द गोनाड्स आर प्रेजेंट, जिसका मतलब है कि टोटल 27 पेयर्स ऑफ गोनाड्स जो है वो प्रेजेंट है, विच मीन्स टेस्टिस एंड ओवेरीज जो है प्रेजेंट है. बट हम ये एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि ब्रेंकियोस्टोमा में कौन सा इंडिविजुअल मेल है कौन सा फीमेल है. दैट्स वाई हेयर इट इज रिटन दैट देयर इज नो सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म. Another thing is ki they lie in the ventrolateral wall in the pharyngeal region and bulge into atrium. A ventrolateral matlab ki this is the diagram, so this is the ventral position and this is the dorsal position, right? So jo gonads hai wo ventral position hai, ventrolateral position mein present hai, and they are present in the pharyngeal region and they bulge into atrium. So yahan jitni space hoti hai wo actually atrium ki space hoti hai. Another diagram we can see is here. So, इस डायग्राम में वी कैन सी दिस इज द फेरिनेंजियल रीजन एंड दिस इज द आट्रियम राइट हेयर. सो जो गोनाड्स है वो फेरिनेंजियल रीजन में भी प्रेजेंट होते हैं और आट्रियम रीजन में भी प्रेजेंट होते हैं. एंड दिस इज द वेंट्रोलिट्रल वॉल इन द फेरिनेंजियल रीजन एंड दे बल्ज इन टू द आट्रियम रीजन. एंड देयर इज नो गोनोडक्ट्स, मतलब कि कोई भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर, डक मीन्स अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर. तो टेस्टिस और ओवेरीज जो गोनाड्स हैं उन गोनार्ड्स के पास कोई पाइप नहीं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं है या कोई डक्ट्स नहीं है जिनसे वो जो अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि फॉर मेल इट्स स्पर्मेटोजोआ एंड फॉर फीमेल इट इज ओवा. तो जो एग और स्पर्म जो प्रोड्यूस होगा उनको ट्रेवल करने के लिए कोई भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर, कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं है. सो देयर इज नो गोनोडक्ट्स. एंड द मेच्योर गैमेट जो कि स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा है, स्पर्मेटोजोआ इन केस ऑफ मेल एंड ओवा इन केस ऑफ फीमेल, दे आर शेड इन टू द आट्रियम by bursting of the inner wall of gonad at certain point called cicatrices. तो कहने का मतलब ये है कि जो mature gamete है, क्योंकि gonoducts नहीं है, कोई pipe-like structure present नहीं है, तो जो mature gametes हैं, वो gonads को जो जैसे testes और ovaries के एक certain point होता है जिसको cicatrices कहते हैं, तो वो वहां से जो है wall जो है वहां से burst हो जाती है, वहां से एक line of dehiscence बन जाती है, चीरे की तरह जैसे एक स्ट्रक्चर बन जाता है, वहां से वो वॉल जो है टूट जाती है और फिर वहां से जो गैमेट्स ट्रेवल करके आट्रियम में पहुंच जाते हैं. सो हेयर वी कैन अगेन सी द डायग्राम. यहां से जो है मतलब कि सपोज गोनाड्स में सर्टेन प्लेसेस जो कि पॉइंट्स है सीकाट्राइसिस, वहां से निकल के दे बल्ज दे रीच इन टू द आट्रियम, तो वो आट्रियम तक पहुंच जाते हैं. अब जैसे कि स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा यहाँ पे पहुंच गए हैं, तो स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा नेक्स्ट दे विल लीव थ्रू द आट्रियोपोर. सो दिस इज द सेक्शन वी कैन सी, दिस इज द आट्रियोपोर. सो द स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा विच आर द मेच्योर गैमेट्स फ्रॉम आट्रियम, द गैमेट्स एस्केप थ्रू द आट्रियोपोर इन टू द सी फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट. तो बाहर निकल के जो मेच्योर गैमेट्स एंड ओवा है बाहर निकल के they will perform the fertilization and further development processes, right? Now we need to know about the structure of gonad. So here we can see this is the diagram representing the structure of gonad. यहाँ पे जो है this is the atrial wall. ये जो wall है इसको atrial wall कहते हैं. एंड यहाँ पे जो ये ब्लड वेसल है, ये जो लाइन है ब्लड वेसल की है. यहाँ पे जो सेल्स दिख रहे हैं स्मॉल, दीज आर दी जर्म सेल्स.
This is the primary gonadial cavity and this one is the secondary gonadial cavity, or we can also see it as gonocele. So secondary gonadial cavity or gonocele. Now what happens ki ye jo mature gonad hai, is mature gonad in the sense either it is testy or either it's ovary. So ye testy hai ya ovary hai, ye jo hai it is enclosed by a cavity which is called as the primary gonadial cavity. It is called as the primary gonadial cavity, which is further almost completely surrounded by a secondary gonadial cavity which is also known as the gonocele. Ab ye jo germ cells hai kaise bante hai, ye germ cells bante hai from the cells forming the inner wall of the primary gonadial cavity. जो primary gonadial cavity की जो inner wall है, ये जिन cells से बनी हुई है, उन्हीं cells से बनते हैं ये germ cells, right? अब जो पूरा का पूरा gonad है, the entire gonad is bounded externally by बाहर से जो है ये body wall से covered है, और अंदर से जो है ये arterial wall से covered है. So the entire gonad is bounded externally by body wall and internally by the arterial wall. और हर एक गोनाड के पास एक लार्ज ब्लड स्पेस है. सो एवरी ईच एंड एवरी गोनाड हैज ए लार्ज ब्लड स्पेस दैट कम्युनिकेट्स विद द कार्डिनल वेन. हियर ईच एंड एवरी गोनाड हैज ए लार्ज ब्लड स्पेस दैट कम्युनिकेट्स विद द कार्डिनल वेन. नेक्स्ट इज द डिहाइसेंस. मैंने कहा था देयर इज अ सर्टेन पॉइंट इन द गोनाड थ्रू विच द एस्केप थ्रू विच द मैच्योर गैमेट्स लाइक स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा दे एस्केप इन टू द आर्ट्रियम. तो जो गोनाड्स हैं उनकी डिहाइसेंस हो जाती है. अब डिहाइसेंस कैसे होती है? बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल ऑफ गोनोसील. तो यहाँ पे जो ये गोनोसील है विच इज द सेकेंडरी गोनाडियल कैविटी और गोनोसील, इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसके कारण जो है स्पर्मेटोजोआ जो यहाँ ओवा जो है वो जो है इससे गोनाड से जो है बाहर निकल जाते हैं. एंड आफ्टर शेडिंग द गैमेट्स, जब गोनाड से टेस्टिस से ओवेरी से स्पर्मेटोजोआ और ओवा निकल गया, तो फिर ये जो लाइन ऑफ डिहाइसेंस है ये बंद हो जाती है और गोनाड्स फिर से जो है न्यू फ्रेश जर्म सेल्स जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं. सो आफ्टर शेडिंग द गैमेट्स, हियर आफ्टर शेडिंग द गैमेट्स द लाइन ऑफ डिहाइसेंस क्लोजेज एंड गोनाड स्टार्ट्स प्रोलिफरेटिंग फ्रेश जर्म सेल्स, राइट? So this is about it. The next thing is कि breeding season, when these organism, when the branchiostoma breed. तो जो breeding season है this is in the late spring and early summer, or they spawn at sunset. Spawn means produce. They produce their spermatozoa and ova at the sunset and they shed spermatozoa and ova in a close proximity. तो वो बहुत ज़्यादा ensure करते हैं कि पास पास में ही जो है spermatozoa और egg को release किया जाए to ensure fertilization. And also one thing important to note is that considerable amount of uric acid is excreted with gametes. तो uric acid भी excrete किया जाता है gametes के साथ, right? नाउ अब गैमेट्स की बात करते हैं. हमने देखा है गोनाड का स्ट्रक्चर, वी हैव सीन विच कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, प्राइमरी गोनाडियल कैविटी, सेकेंडरी गोनाडियल कैविटी, जर्म सेल्स. हेयर उन्हीं गोनाड्स में से प्रोड्यूस होता है स्पर्मेटोजोआ विच इज द स्पर्म इन केस ऑफ मेल एंड एग इन केस ऑफ फीमेल. ओवा कह सकते हैं, सेकेंडरी ओसाइट भी कह सकते हैं फीमेल में. तो यहाँ पे जो सबसे पहले गैमेट्स में पहले बात करेंगे स्पर्मेटोजोआ की. तो जो स्पर्मेटोजोआ है ब्रैंकियोस्टोमा का सबसे छोटा है इन ऑल कॉर्डेट्स. तो जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनमें से जो इनका जो स्पर्मेटोजोआ है दिस इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट इन कॉर्डेट्स विच इज अबाउट 18 माइक्रोमीटर लॉन्ग. इट्स हेड इज स्फेरिकल, बियर्ड्स ए माइन्यूट बीड लाइक एक्रोसोम इन फ्रंट एंड द मिडिल पीस इज सराउंडेड, देयर इज नो एंड पीस. सो हियर वी कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू द डायग्राम. वेल here this is the diagram of the spermatozoa. We can see this is a very small bead like structure which is known as the acrosome. This is the nucleus, this is the middle piece which is surrounded, this is the tail, this is the male gamete, mature gamete known as spermatozoa. Here this is the structure which is very very important to note. ye jo structure hai this is secondary oocyte which is the egg, unfertilized egg. Here you can see the structure, this is the structure of unfertilized egg. Here we can see this is the first polar body. If you remember the process of oogenesis, जैसे कि spermatogenesis और oogenesis की process है, हमें पता है कि उसमें एक first polar body बनती है after the division, फिर बाद में जो है एक second polar body भी बनती है. सो हेयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि जो सेकेंडरी ओसाइट है जब अनफर्टिलाइज्ड एग होता है तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है एंड दिस इज द फर्स्ट पोलर बॉडी.
This is the nucleus. Nucleus is also over here is called as the germinal vesicle. Remember, nucleus is also called as the germinal vesicle. This is the vitelline membrane which is covering the egg. Remember, this is the vitelline membrane. और यहाँ पे जो peripheral position पे जो है peripheral cytoplasm है. This peripheral cytoplasm is rich with the granular mitochondria. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा granular mitochondria present है. And जो अंदर ये जो middle portion है, this is called as the yolky cytoplasm. And always remember, जिस तरफ nucleus है peripheral position पे, जिस तरफ nucleus है उस तरफ, और जिस तरफ first polar body है उस पोजीशन को हम एनिमल पोल बोलेंगे एग का. एंड जिस तरफ जो है एंड द ऑपोजिट ऑफ द एनिमल पोल इज नोन एज द वेजिटल पोल. रिमेंबर, एनिमल पोल, वेजिटल पोल. एनिमल पोल इज नियर द वेयर द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड द फर्स्ट पोलर बॉडी इज प्रेजेंट एंड द ऑपोजिट टू द एनिमल पोल इज द वेजिटल पोल. नाउ हियर टॉकिंग अबाउट द एग, तो एग जो है स्फेरिकल है एंड अबाउट 0.12 mm इन डायामीटर है एंड क्लोज बाय अ थिन विटिलाइन मेम्ब्रेन. अब हमने देखा है कि जो एग है उसे विटिलाइन मेम्ब्रेन एंड क्लोज करती है विच इज सिक्रेटेड बाय एग इटसेल्फ. उसको एग ही सिक्रेट करता है. तो विटिलाइन मेम्ब्रेन को सिक्रेट करने का काम किसका है? एग का. अब जो एग है वो माइक्रोलेसिथल है. माइक्रोलेसिथल का मतलब ये है कि इट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉक विच इज स्कैटर्ड यूनिफॉर्मली एक्सेप्ट इन द पेरिफेरल लेयर. जो यॉक है वो यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड है हर जगह एक्सेप्ट इन द पेरिफेरल लेयर. अब ये जो पेरिफेरल लेयर है इट इज क्राउडेड विद द ग्रेन्यूलर माइटोकॉन्ड्रिया. तो जो पेरिफेरल लेयर है वहां पे ग्रेन्यूलर माइटोकॉन्ड्रिया है, बाकी सब जगह जो है वो यॉकी साइटोप्लाज्म जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. और इसलिए वी कैन से दैट द एग इज होमोलेसिथल. होमोलेसिथल का मतलब है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. माइक्रोलेसिथल का मतलब है कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉक. सो दिस इज द डिफरेंस. सो वी कैन से दैट द एग इज माइक्रोलेसिथल एंड होमोलेसिथल. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द जर्मिनल वेसिकल. इफ यू रिमेम्बर, जर्मिनल वेसिकल क्या है? जर्मिनल वेसिकल इज द न्यूक्लियस विच लाइज जस्ट बीनीथ द पेरिफेरल लेयर. सो ये जो पेरिफेरल लेयर है, पेरिफेरल लेयर के जस्ट नीचे जो है न्यूक्लियस या जर्मिनल पोल जो है प्रेजेंट है. एंड this side of the egg is called as the animal pole and opposite to the animal pole is the vegetal pole, right? This is what I have already told you. Now next thing is ki jo egg hai use jo hai gonad se kab nikala jata hai, ovaries se kab nikalta hai. Egg nikalta hai secondary oocyte stage pe. जो एग है वो सेकेंडरी ऊसाइड स्टेज पे निकलता है और जो फर्स्ट पोलर बॉडी है इट लाइज आउटसाइड द विटिलाइन मेम्ब्रेन. वी हैव सीन इन द डायग्राम दैट द फर्स्ट पोलर बॉडी लाइज आउटसाइड द विटिलाइन मेम्ब्रेन, राइट? दिस इज वेरी वेरी क्लियर. एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन दिस एग अंडरगोज इक्वल होलोब्लास्टिक रेडियल क्लीवेज टू फॉर्म द सीलोब्लास्टुला, राइट? तो इस तरह से आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये एग का जो है चेंजेस आ जाते हैं, बट बिफोर फर्टिलाइजेशन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एग. सो नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, विच मीन्स कि हमने बोला था कि जो गोनाड है, टेस्टिस ओवेरीज है, उनमें से जो है स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा जो है आर्ट्री पोर के थ्रू बाहर निकल जाता है, विच मीन्स दैट द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड स्पर्म एंटर्स एन एग एट एनी पॉइंट ऑफ द वेजिटल पोल. तो जो स्पर्म है उसकी एंट्री कहाँ होगी? स्पर्म की एंट्री हर बार जो है वेजिटल पोल की पोजिशन से ही होगी, राइट? यही नियर द वेजिटल पोल आसपास यहीं से जो है स्पर्म की एंट्री होती है. नेक्स्ट थिंग इज कि जो एंट्री है स्पर्म की, इट शोज फ्यू इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस बिकॉज आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर आर सम चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द एग. अब होता क्या है एग में, व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर्स? दीज चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऊप्लाज्म है विच इज द एग इटसेल्फ, जिसको हमने ऊप्लाज्म बोला है, वो जो है श्रिंक कर जाता है एंड इट एक्सक्यूड्स अ फ्यूड बिटवीन इट सेल्फ एंड द विटिलाइन मेम्ब्रेन. व्हाट हैपन्स दैट जो एग है वो अपने आप को श्रिंक कर लेता है और विटिलाइन मेम्ब्रेन उससे दूर हो जाती है. तो जो विटिलाइन मेम्ब्रेन है वो एग से थोड़ा सा सेपरेट हो जाती है, ऊप्लाज्म से सेपरेट हो जाती है और उनके बीच में एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस बन जाती है. तो वो जो बीच में जो है पूरा फ्लूइड आ जाता है और अब जो है विटिलाइन मेम्ब्रेन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन बिकम्स द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन. सो विटिलाइन मेम्ब्रेन कन्वर्ट्स इन टू द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, राइट? दिस इज द फर्स्ट चेंज दैट टेक्स प्लेस. द सेकेंड चेंज इज जो एग है इट अंडरगोज सेकेंडरी मैच्योरेशन डिवीजन. अब क्या होगा, एक सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी जो कि एनिमल पोल पे ही लाए करेगी बट विद इन द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन. फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के अंदर ही लाए करती है टिल हैचिंग टाइम,
दिस वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड थ्रू द डायग्राम लेटर आई विल शो यू. बट नाउ रिमेंबर कि जो एग है इट अंडरगो सेकेंडरी मैच्योरेशन डिवीजन फॉर्मिंग ए सेकेंड पोलर बॉडी विच लाइज इन द एनिमल पोल विद इन द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन टिल द हैचिंग टाइम. थर्ड थिंग इज कि जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगॉट बिकम्स डिप्लॉयड. दिस इज वेरी यूजुअल थिंग. जो क्रोमोजोम है एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है 2N सेट कंप्लीट कर देंगे, राइट. एंड द फोर्थ थिंग इज जो ऊप्लाज्म है इट विल अंडरगो रीअरेंजमेंट टू एस्टेब्लिश प्रिजम्पटिव एरियाज और ऑर्गन फॉर्मिंग सब्सटेंसेस डेस्टिन्ड टू प्रोड्यूस डिफाइनाइट स्ट्रक्चर इन एम्ब्रॉयो. नाउ व्हाट डज इट मीन कि जो ऊप्लाज्म है अब जो फर्टिलाइज हो चुका है वो एक ऑर्गन उसके अंदर जो है चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, प्रिजम्पटिव एरियाज बनना शुरू हो जाएंगे. अब प्रिजम्पटिव एरियाज होते हैं ऑर्गन फॉर्मिंग सब्सटेंसेस की फ्यूचर में एग के किस पोजीशन के अंदर या जायगॉट के किस पोजीशन के अंदर कौन सा ऑर्गन बनेगा, इस चीज की जो है पहले से ही जो है डिसीजन जो है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन हो जाता है. तो वो जो डिसीजन है वो जो एरिया है वो जो बढ़ता है पूरे जायगॉट के अंदर दिस इज नोन एज द प्रिजम्पटिव एरियाज और ऑर्गन फॉर्मिंग सब्सटेंसेस विच इज डेस्टिन्ड टू प्रोड्यूस डिफाइनाइट स्ट्रक्चर इन एम्ब्रॉयो. जो बाद में जाके एक डिफाइनाइट स्ट्रक्चर उसी जगह बनेगा, उसके अलावा कोई और चेंज नहीं आएगा. वंस द प्रिजम्पटिव एरियाज और ऑर्गन फॉर्मिंग सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आफ्टर दैट देयर विल बी नो चेंज दैट विल टेक प्लेस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रॉयो, राइट. फिफ्थ पॉइंट है जो फर्टिलाइजेशन है इट स्टिम्युलेट्स द एग टू स्टार्ट द क्लीवेज. जो फर्टिलाइजेशन है वो एग को जो है स्टिम्युलेट करती है क्लीवेज स्टार्ट करने के लिए. बट बिफोर द क्लीवेज देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रिजम्पटिव एरियाज. तो जायगॉट के अंदर सबसे पहले प्रिजम्पटिव एरियाज बन जाएंगे, उन प्रिजम्पटिव एरियाज के बनने के बाद जो है फिर क्लीवेज स्टार्ट होगी, राइट. सो फर्टिलाइज होने के बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद जायगॉट बनता है. जायगॉट अंडरगोस द फॉर्मेशन ऑफ प्रिजम्पटिव एरियाज एंड देन देयर विल बी प्रोसेस ऑफ क्लीवेज दैट विल टेक प्लेस. तो अब वी कैन सी सम चेंजेस कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो किस तरह से दिखता है. सो हियर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग, राइट. अब ये फर्टिलाइज्ड एग का स्ट्रक्चर है. सो वी हैव सीन द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑल्सो एंड दिस इज द फर्टिलाइज्ड एग. फर्टिलाइज्ड एग में क्या है कि यहाँ पे देखो जो न्यूक्लियस है वो बीच में आ गया हुआ है विच कंसिस्ट ऑफ क्रोमोजोम ऑफ बोथ एग्स एंड एग एंड स्पर्म. अब यहाँ पे जो है हमने देखा था कि साइटोप्लाज्मिक रीजन्स थे जो कि अब यहाँ पे अलग अलग जगह पे आ चुके हैं. दिस इज द क्लियर साइटोप्लाज्म रीजन, दिस इज द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म. दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट कि पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है विच कंसिस्ट ऑफ ग्रेन्यूलर माइटोकॉन्ड्रिया, राइट. और ये योकी साइटोप्लाज्म इस साइड पे आ जाता है. ऊ प्लाज्म जो है वो श्रिंक कर जाता है जिसके कारण जो विटिलाइन मेम्ब्रेन है उससे सेपरेट हो जाती है. बीच में फ्लूइड फिल स्पेस है और इस विटिलाइन मेम्ब्रेन को चेंज हो जाती है ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के अंदर, राइट. अब एक फर्स्ट पोलर बॉडी है जो कि बाहर है एनिमल पोल के. सेकेंड पोलर बॉडी भी बन जाती है बिकॉज द एग अंडरगो सेकेंडरी मैच्योरेशन डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंड पोलर बॉडी विच लाइज इन द एनिमल पोल विद इन द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन टिल हैचिंग टाइम. सो दिस इज द सेकेंड पोलर बॉडी. यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, दिस इज द सेकेंड पोलर बॉडी. सो दिस इज द एनिमल पोल, दिस इज द वेजिटल पोल, राइट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग. रिमेम्बर दिस डायग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर. सो इसी से जो है अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिजम्पटिव एरिया. तो यहीं से देख के आई कैन एक्सप्लेन यू कि जो प्रिजम्पटिव एरिया है वो बेसिकली क्या होगा कि जो एनिमल पोल है, एनिमल पोल इज द फ्यूचर एंटीरोवेंट्रल पार्ट ऑफ द एम्ब्रॉयो. तो यहाँ पे जो है एनिमल पोल रिप्रेजेंट करता है एंटीरोवेंट्रल पोजिशन, ठीक है. और जो वेजिटल पोल है ये कौन सी पोजीशन रिप्रेजेंट करता है. वेजिटल पोल इज द फ्यूचर पोस्टीरियर डोर्सल साइड. तो वेजिटल पोल जो है फ्यूचर पोस्टीरियर डोर्सल साइड है, फ्यूचर पोस्टीरियर डोर्सल साइड. एनिमल पोल इज द फ्यूचर एंटीरोवेंट्रल साइड, एंटीरोवेंट्रल पोस्टीरियर डोर्सल, ठीक है. ये जो है प्रिजम्पटिव एरिया के अंदर एक चीज एस्टेब्लिश हो जाती है कि एनिमल पोल क्या रिप्रेजेंट करेगा, कौन सी साइड, और वेजिटल पोल कौन सी साइड रिप्रेजेंट करेगा. अब होता क्या है इन दिस केस आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है विच इज रिच विद द माइटोकॉन्ड्रिया, हियर वी कैन सी दिस इज द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म. सो दिस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म बेसिकली इट फ्लोज फ्रॉम वेजिटल, इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेजिटल पोल. तो ये जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है ये
पहले जो था वो पेरिफेरल पोजीशन पे था, पर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वेजिटल पोल की तरफ फ्लो हो जाएगा ऑफ द जायगोट एंड दिस विल बिकम द प्रिजम्प्टिव मेसोडर्म. रिमेम्बर दिस विल बिकम द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म इन द वेजिटल पोल विल बिकम प्रिजम्प्टिव मेसोडर्म. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट. नेक्स्ट थिंग इज कि दिस थिंग एस्टेब्लिशेज अ बाइलेटरल सिमेट्री. तो इससे जो है बाइलेटरल सिमेट्री बन जाएगी. अब ये जो यॉर्की साइटोप्लाज्म है किस तरफ चला जाएगा, इट विल गैदर टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड ऑफ द एग रिप्रेजेंटिंग द प्रिजम्प्टिव एक्टोडर्म. दिस इज द मेसोडर्म, दिस इज द प्रिजम्प्टिव एक्टोडर्म, विच मीन्स ये फ्यूचर में यहाँ पे एक्टोडर्म बन जाएगा. एंड ऑपोजिट टू द डॉर्सल पोजिशन इज दिस वेंट्रल पोजिशन विच कंजिस्ट ऑफ दिस क्लियर साइटोप्लाज्म एंड इट रिप्रेजेंट्स द प्रिजम्प्टिव एक्टोडर्म. तो ये क्या है, एक्टोडर्म. The ventral position ectoderm, dorsal position endoderm, posterior position mesoderm, and now talking about this anterior side. Here this is the another diagram. ये भी एक का एक डायग्राम है जिसमें प्रिजम्प्टिव एरियाज ऑफ zygote हम देख सकते हैं. तो दिस इज द वेंट्रल साइड हमने मान लिया, सपोज इसे हमने डॉर्सल साइड मान लिया. ये होगी एंटीरियर साइड, ये होगी पोस्टीरियर साइड. अब पोस्टीरियर साइड पे क्या था, वेजिटल पोल. एंटीरियर साइड पे क्या था, एनिमल पोल. अब जो वेजिटल पोल है वहां पे कौन सा साइटोप्लाज्म जाता है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म विच बिकम्स द प्रिजम्प्टिव मेसोडर्म. वेंट्रल साइड पे क्या होता है, क्लियर साइटोप्लाज्म. वेंट्रल साइड पे क्या है, क्लियर साइटोप्लाज्म. तो दिस क्लियर साइटोप्लाज्म विल रिप्रेजेंट्स द प्रिजम्प्टिव एक्टोडर्म. तो यहाँ पे वेंट्रल साइड पे क्या है, एक्टोडर्म है. ये डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड पे क्या था, यॉर्की साइटोप्लाज्म. दिस यॉर्की साइटोप्लाज्म इन द डॉर्सल साइड रिप्रेजेंट्स द प्रिजम्प्टिव एंडोडर्म. राइट, सो ये क्लियर होने के बाद अब एंटीरियर पोजिशन पे देखते हैं. एंटीरियर क्या था, एनिमल पोल. एंटीरियर क्या था, एनिमल पोल. अब यहाँ पे क्या चेंज आएंगे, इट कंटेन्स टू क्रिसेंट हियर. ये दो क्रिसेंट मतलब दो डिवीजन में, पार्ट में ये दो चीजें कंजिस्ट करता है. एक तो इसके पास नोटोकोड है, वी कैन सी इन द डायग्राम, एक इसके पास नोटोकोड है, दूसरे इसके पास न्यूरल प्लेट है. सो द एंटीरियर साइड कंटेन टू क्रिसेंट हियर. वी कैन से हियर द एंटीरियर साइड कंटेन टू क्रिसेंट, दैट इज द प्रिजम्प्टिव न्यूरल प्लेट हियर एंड द प्रिजम्प्टिव नोटोकोड. इट कंजिस्ट ऑफ प्रिजम्प्टिव न्यूरल प्लेट विच इज एडजेसेंट टू द प्रिजम्प्टिव एक्टोडर्म एंड द प्रिजम्प्टिव नोटोकोड विच इज एडजेसेंट टू द प्रिजम्प्टिव एंडोडर्म. सो दिस इज क्लियर. एंड दिस ऑर्गन फॉर्मिंग सब्सटेंसेस आर एस्टेब्लिश्ड इन द जायगोट. ये जो प्रिजम्प्टिव एरियाज हैं ये जायगोट में फिर बन जाते हैं एंड दे एस्टेब्लिश बिफोर क्लीवेज स्टार्ट. तो क्लीवेज होने से पहले सब कुछ क्लियर हो जाता है कि कौन सी चीज जो है, कौन सा साइड जो है एग का वो क्या बनेगा. एम्ब्रॉयो में वो बाद में जाके कौन सा रीजन बनाएगा, एक्टोडर्म बनाएगा, एंडोडर्म बनाएगा, मेसोडर्म बनाएगा, नोटोकोड बनाएगा, न्यूरल प्लेट बनाएगा. तो ये जायगोट में सबसे पहले डिसाइड हो जाता है बिफोर क्लीवेज. राइट, सो वी कैन से दैट ऑर्गन फॉर्मिंग सब्सटेंस आर एस्टेब्लिश्ड इन जायगोट बिफोर क्लीवेज स्टार्ट. अब एक और चीज है कि जो पोलैरिटी है वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं बाय द एंट्री ऑफ स्पर्म. तो ये जरूरी नहीं है कि जो एंट्री ऑफ स्पर्म, जहां स्पर्म की एंट्री होगी वो चीज जो है वेजिटल पोल हो जाएगी, ऐसा नहीं है. इट मे बी नोटेड दैट द पोलैरिटी ऑफ द एग इज नॉट डिटरमाइंड बाय द एंट्री ऑफ स्पर्म बिकॉज इट इज प्री डिटरमाइंड इन द ओवेरी वेयर द एग इज अटैच्ड बाय एनिमल पोल टू द जर्मिनल एपिथीलियम. तो जो एग है वो अपने एनिमल पोल से ओवेरी के अंदर जो जर्मिनल एपिथीलियम है उसके साथ अटैच्ड है, जो कि पहले ही डिसाइड कर चुका है ओवेरी के अंदर. एग जो है ओवेरी के अंदर ही डिसाइड हो जाता है कि उसके पास कौन सा पोल एनिमल है, कौन सा वेजिटल पोल है. राइट, सो दिस इज अबाउट द फर्टिलाइजेशन. आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट. एंड आई विल ट्राई टू फॉर्म अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो इन विच वी विल स्टडी द क्लीवेज एंड फर्दर इट्स डेवलपमेंट. सो थैंक यू.